हेलो फ्रेंड्स, डीआर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा आपकी वो विदित है, पिछली बार हमने एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के बारे में बताया था, इस बार अपन क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, पेंक्रियास एक बहुत स्मॉल अंग है शरीर का, जिसका वजन केवल 90 ग्राम होता है और शरीर के पाचन में ये सहायक है। ये दोनों तरह के फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में ये पेंक्रियाटिक जूस बनाता है और ड्यूडिनम में पहुंचाता है, और एंडोक्राइन फंक्शन में ये इंसुलिन नाम का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन बनाता है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो आज अपन जानेंगे कि क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस हो जाती है तो उसमें इसमें क्या अंतर आता है। तो जैसे क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस हो जाती है तो पेंक्रियास धीरे धीरे करके सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने से इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह के फंक्शन कम होने लग जाते हैं। पेंक्रियाटिक इंसफिशियंसी या पेंक्रियास हार्मोन्स की जो कमी है, एंजाइम्स और हार्मोन की कमी है, वो 90% जब पेंक्रियास डिस्ट्रॉय हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तब उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस क्यों हो जाती है, क्या है इसके कारण। तो सबसे नंबर पर है एल्कोहल या ज़्यादा शराब पीना। जो बहुत लंबे टाइम तक शराब पीते रहते हैं, फिर भी ये देखा गया है कि 10% लोगों को ये बीमारी हो जाती है। क्रोनिक पेंक्रियाटाइट नाम की बीमारी होती है, उसमें अपना पेंक्रियाज धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाता है। फिर वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस ही करता जाएगा पर रिवर्स नहीं होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है जो पेंक्रियाटिक डक्ट है, जो उसकी नली है पेंक्रियाज की, वो किसी कारण से बंद हो जाए। तो उसमें सबसे पहले अपन ने जाना ही था पिछली बार के जो गॉल स्टोन होते हैं, पित्ताशय की पथरी है, वो इसमें आ जाती हैं डक्ट में और अटक जाती हैं, और इस डक्ट को ब्लॉक कर देती हैं, फिर ये पेंक्रियाटाइटिस डेवलप हो जाती है। तो एक कारण हो गया स्टोन, दूसरा कैंसर और तीसरा है चोट। तीन कारणों से ये ब्लॉक हो जाती है नली। फिर उसके बाद में है जन्मजात, जन्म से ही उसमें पेंक्रिया खराबी आ जाए, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या हेरिडिटरी पेंक्रियाटाइटिस। फिर उसके बाद में है ऑटोइम्यून, ऑटोइम्यून पेंक्रियाटाइटिस होती है, जो शरीर की सेल होती है वही उस पर उसके अगेंस्ट काम करने लगती है पेंक्रियाज। तो आज अपन जो कॉमन कॉमन कारण हैं उनको जानते हैं, फिर उसके बाद अपन जानते हैं, मान लो पेंक्रियाटाइटिस हो जाती है क्रोनिक टाइप की, तो उसको क्या परेशानी आती है, क्या दिक्कत आ जाती है पेंक्रियाज में। तो सबसे अपन पहले जाना था, सबसे पहले पेंक्रियाज का जो बीट है कम हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी, फिर उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो डायलिट हो जाएगी, बूटी हो जाएगी, टॉर्चुअस हो जाएगी, और उसमें स्टोन बन जाएंगे, पथरी बन जाएगी। अब फिर ये जानते हैं अपन, मान लो किसी को हो भी गई पेंक्रियाटाइटिस तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले पेट में दर्द होना, बहुत तेज़ दर्द होना, और कभी कभी खाना खाने के बाद उसका बढ़ना, और आगे झुकने पर थोड़ा कम होना, और कई बार ये बार बार होता रहता है और बहुत तेज़ दर्द होता है, इंटरमिटेंट टाइप का होता है, कभी बंद हो जाता है कभी चलता रहता है। फिर उसके बाद उल्टी या उल्टी का मन हमेशा बना रहना। फिर उसके बाद पीलिया होना, पीठ के दर्द में साथ में पीलिया हो और लंबे टाइम तक तो परेशानी, तो इसका सस्पिशन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में वजन का कम होना, धीरे धीरे मरीज का वजन कम होने लगता है और उसको कुपोषण के लक्षण दिखने लगते हैं, मतलब माल न्यूट्रिशन के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, उसमें विटामिन की कमी आने लग जाती है, जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं उनकी कमी हो जाती है। फिर उसके बाद में स्टीटो बदबूदार मल है, लेटरिन से चिपकने वाला मल है, ऐसी करके परेशानी आ जाती है। फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है डायबिटीज़ का हो जाना, शुगर का हो जाना। तो इसमें एक अलग तरह की डायबिटीज़ हो जाती है। तो अपन ने पहले जाना था कि टाइप 1 की डायबिटीज़ है, टाइप 2 है, इसमें टाइप 3 की डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 3C टाइप की, जो पेंक्रेटिक इसको डायबिटीज़ कहते हैं, वो इसकी क्रोनिक पेंक्रेटिस साथ में हो जाती है। फिर उसके बाद जांच, अपन जाना था क्रोनिक बीमारी हुई है तो बहुत सारी जांचों की जरूरत पड़ जाती है, पर जो इम्पोर्टेंट जांच है उसमें CBC है, ब्लड शुगर है, जिससे डायबिटीज़ का पता लग जाएगा, फिर LFT है, फिर जो एंजाइम्स हैं उनका लेवल है, जिसमें लाइपेज और अमाइलेज और ट्रिप्सिन ओजन है। लाइपेज और अमाइलेज है वो स्मॉल मात्रा में बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज की फाइब्रोसिस हो गई है उसी या उसकी इंसफिशियंसी हो गई है। फिर उसके बाद में है
फीकल इलास्टिस, लैटिन में एंजाइम्स पड़ जाता है फीकल इलास्टिस। फिर उसके बाद मान लो ऑटो इम्यून है, तो उसके लिए और जो टेस्ट हैं ESR है, CRP है, आर इफेक्टर है, ENA, ये वही जरूरत है, इनकी ज़रूरत है। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो है 72 आवर्स का फीकल फैट, मतलब लैटिन में 72 घंटे के अंदर कितना फैट जा रहा है। तो ये डायग्नोस्टिक होता है, अगर 7 ग्राम से ज़्यादा फैट जाता है ये डायग्नोस्टिक है। फिर उसके बाद में CT एबडोमन, ये इस क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में अल्ट्रासोनोग्राफी की बजाय, सोनोग्राफी की बजाय CT ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ये जल्दी से पेंक्रियाटिक डायलिटेशन और कैल्सिफिकेशन को पता लगा है। अपन ने पहले भी जान लिया था कि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है उसमें 30% केसेज में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में MRCP है और ERCP। फिर अपन क्या ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, ऐसे मरीज मान लो हो भी गई पेंक्रियाटाइटिस तो उसका क्या इलाज होगा। तो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो दो पार्ट में है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल पार्ट में सबसे पहले अपन ने जाना था कि मरीज को बहुत सीवियर पेन होता है तो उसको पेन किलर दवाई चाहिए, जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो उसको चाहिए पेन कवर करने के लिए, और कई बार ओपोइड या ओपियम डेरिवेटिव्स हैं उनकी भी जरूरत पड़ जाती है। और मैं बताया था कि बहुत सीवियर टाइप का पेन होता है और कई बार ऑर्गन फेलियर या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या ERDS या ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं, तो उसके लिए फिर ICU चाहिए। फिर उसके बाद में पेंक्रेटिक एंजाइम्स, उनका सप्लीमेंटेशन है, अपने जाना ही था एंजाइम्स कम हो गए तो बाई माउथ उसको एंजाइम्स चाहिए, LipoHMID जैसे एंजाइम्स चाहिए, खाने में फैट की मात्रा कम चाहिए और एल्कोहल बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो एंडोस्कोली स्टेंट प्लेसमेंट है, जो पेंक्रेटिक डक्ट है जो ब्लॉक हो गई है तो उसमें ERCP के थ्रू स्टेंट लगाना होता है, मतलब स्टेंट से उसका ड्रेनेज पेंक्रेटिक डक्ट का ठीक हो जाएगा और मरीज ठीक होने लग जाता है। फिर उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट, किसको ऑपरेशन चाहिए, तो जिनको और कॉम्प्लिकेशन हुए हैं साथ में, जैसे पेंक्रेटिक एब्सिस बन गया है, फिस्टुला बन गया है, या मुंह से खून आ रहा है, बेरिशियल ब्लीडिंग चालू हो गई है, या फिर जो पेंक्रेटिक डक्ट ब्लॉक हो गई है, या ड्यूडिनम ब्लॉक हो गई है, या ड्यूडिनम का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उनके लिए फिर सर्जिकल ऑपरेशन चाहिए। तो सर्जिकल ऑपरेशन में पेंक्रेटोजेजुनोस्टॉमी या फ्रेज ऑपरेशन या पेस्टियो ऑपरेशन टाइप होते हैं, जैसे पेंक्रेटिक डक्ट को खोल के जियोजिनम से जोड़ देते हैं। तो आज ऐसे करके अपन ने क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस के बारे में जाना है, आने वाले समय में जो पेंक्रियास से संबंधित और बीमारी हैं उनके बारे में भी जानेंगे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करें।